हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग घर में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले छोटे बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा कैसे प्राप्त हो, उनका भविष्य शिक्षा के माध्यम से कैसे उज्जवल हो, इस पर विचार करते हैं। फ्रेंड्स, जो बच्चे हमारे अभी शिक्षा ग्रहण करना आरंभ करते हैं, पहली दूसरी तीसरी या चौथी पांचवी कक्षा में होते हैं, यही वो काल है जब बच्चों के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। पांचवी कक्षा तक अगर बच्चे हमारे समय के साथ पाठ्यक्रम के अनुसार पूरी तरह बात को समझ पाते हैं तो आने वाले समय में उनके अंदर शिक्षा के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। जो बच्चे पांचवी कक्षा तक सही ढंग से नीचे के वर्गों में जो पाठ्यक्रम है उनको नहीं समझ पाते, वही बच्चे जब अगले वर्ग में डाल दिए जाते हैं, जबकि पीछे का ज्ञान उनका कमज़ोर होता है, तो वो बच्चे शिक्षा से धीरे धीरे विमुख होने लगते हैं। कारण यह है कि बातें उनके समझ में आती नहीं। हाँ, वर्ग उनका हर साल बढ़ता चला जाता है सरकारी नियम के हिसाब से, परंतु बच्चे के समझ में कुछ नहीं आता। पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे पाते और टीचर भी ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में बच्चे के अंदर शिक्षा के प्रति जो रुचि होनी चाहिए थी वो दिनों दिन कमने लगती है और बच्चे नाम का शिक्षा ग्रहण करते हुए ऊंचे क्लास तक चले जाते हैं और जीवन में ये शिक्षा उनका ज़्यादा भला नहीं कर पाता। तो हम लोगों को अपने बच्चे को पहले चरण में क्लास पाँच तक बिल्कुल ध्यान देना है कि क्लास पाँच तक के लिए जो पाठ्यक्रम तय किए गए हैं, जो पुस्तकें उनको दी गई हैं, उनकी समझ उनको आई या नहीं आई। समझ बिल्कुल आ जाएगी अगर वो लगातार प्रयास करते रहेंगे। यदि वो प्रयास ना करेंगे और समय जाया करेंगे, समय बिता डालेंगे, तो फिर बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अपने बच्चों के लिए उनके पांचवी कक्षा तक पूरी तरह ध्यान देते रहना है कि बच्चे पाँच क्लास तक अपने पाठ्यक्रम को पूरा पूरा समझ पाए। फिर बच्चे जब पाँचवीं कक्षा पास करके सिक्स में जाएंगे, बातें उनके समझ में आएगी क्योंकि उन्होंने पाठ्यक्रम पाँच क्लास तक पूरा किया है। फिर सेवन में जाएंगे, वहाँ भी बातें उनको समझ में आएंगी और पढ़ाई के प्रति अगर बच्चे की रुचि जगी हुई दिख रही है आपको, तो आप ये समझ लें कि बच्चे को पीछे के जो पाठ्यक्रम हैं वो समझ में आए हैं। यदि रुचि कम दिख रही हो बच्चे में पढ़ाई के प्रति, तो आप ये मान लें कि पीछे के पाठ्यक्रम उनसे छूट रहे हैं, पीछे के पाठ्यक्रम में उन्होंने कहीं ना कहीं चूक कर रखी है, कहीं ना कहीं उनका सीखना कमज़ोर हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसी बात है जो उनके समझ में नहीं आई है, इसलिए बच्चे की रुचि कम हो रही है। तो गौर करना यह है कि क्या हमारे बच्चे की रुचि पढ़ाई के प्रति सही चल रही है या कम पड़ रही है। कम पड़ रही है तो कहीं ना कहीं बात उनके समझ में नहीं आ रही है, और कहाँ समझ में बात नहीं आ रही है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने भी जो कैटेगरी बनाया शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए, वो देख लें, प्राइमरी पाँच कक्षा तक, ये बच्चों के लिए वेश है। यदि बच्चे पाँच क्लास तक के पाठ्यक्रम को पूरी तरह समय के साथ सीख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अगला चरण उनका सिक्स सेवन एंड एट ए आता है, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। तो दो चरण, प्राथमिक चरण प्राइमरी स्कूल और द्वितीय चरण मिडिल स्कूल, यहाँ तक बच्चों को बिल्कुल ही ध्यान में
रखना चाहिए, बच्चों को देखते रहना चाहिए कि बच्चे की रुचि पढ़ाई के प्रति है या नहीं। और जब भी आप देखें कि बच्चे की रुचि पढ़ाई के प्रति कम हो रही है, आप मान लें कि कुछ बातें ऐसी हैं इस पाठ्यक्रम में जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, और कैसे ये बच्चा समझेगा, इसके लिए अभिभावक को, गार्जियन को सतर्क होने की ज़रूरत है। तीसरा चरण जो आप देख रहे हैं वो 9th-10th हाई स्कूल है, उच्च विद्यालय है, और यहाँ पर बच्चे यदि 8th तक बच्चों ने दिखाया है आपको कि उनकी रुचि पढ़ाई में है, तो आप मान लें कि ये बच्चे 9th-10th में भी थोड़े गाइड अगर आप उनको दिलवा दें, ध्यान दें, तो 9th-10th को भी सही ढंग से सीख जाएंगे। और अगर 10वीं कक्षा तक बच्चे अपने पाठ्यक्रम को सही ढंग से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे की कक्षाओं के लिए बच्चे स्वयं ही तैयार मिलेंगे आपको, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि बच्चे 10 क्लास तक कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, तो आगे की कक्षाओं के लिए बच्चे सिर्फ दिखावे का पढ़ाई पढ़ेंगे, परीक्षा पास करके आपको दिखाएंगे, पर उनके भविष्य में ये पढ़ाई कोई ज़्यादा काम की नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए 3 चरण बनाए गए हैं, आवश्यक चरण है ये शिक्षा ग्रहण करने के। इस पर गार्जियन को, अभिभावक को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अभिभावक अगर बच्चों को अभिभावक यदि बच्चे के ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं, अपने धंधा पानी और कमाई में लगे रहते हैं, इसी में बच्चे पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ छूट रहा होता है, कुछ ना कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होती है, और कोई भी उनको गाइड करने वाला नहीं होता कि क्यों और कैसे इसको समझा जाए, और क्यों बच्चे को समझ में बात नहीं आ रही है। ऐसे में बच्चे हताश हो जाते हैं, शिक्षा से विमुख हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे हमारे घर में हैं, शिक्षा जरूरी है, और 3 चरणों तक हमारा उन पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे, और मेरी समझ में यही कारण है कि बच्चे पिछड़ जाते हैं जब, और क्लास उनका बढ़ जाता है, तो वहाँ से बच्चे शिक्षा के प्रति विमुख होने लगते हैं। तो यदि इस पर ध्यान दिया जाए, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी बेहतर शिक्षा ग्रहण कर बेहतर इंसान बनेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।